दोस्तों, देवोश्री आर्टिस्टिक आज लेकर आए हैं एक नया वीडियो। सुनने में आया है सुपरस्टार सिंगर सीजन 2 इसी महीने में यानी अगस्त में ही खत्म होने वाले हैं। पवनदीप राजन थे इस शो का एक हिस्सा। तब क्यों ये शो पवनदीप की तरह हिट ना होके फ्लॉप हो गया? क्यों टीआरपी डे बाई डे गिरते गए? क्या पवनदीप खुद इसका जिम्मेदार है? आइए इस वीडियो के थ्रू हम लोग SS2 फ्लॉप होने का रीजन ढूंढते हैं। दोस्तों, छोटा मुंह में बड़ा बात हो जाएगा, पर म्यूजिकल प्रोग्राम के मोनोटोनस फॉर्मेट इसके लिए शायद जिम्मेदार होंगे। हर शो का एक जैसा सॉन्ग का यूज, एक जैसा गेस्ट, एक तरीके का रिप्रेजेंटेशन से व्यूअर्स सच में टायर्ड एंड बोर्ड। सोनी टीवी एंटरटेनमेंट चैनल शायद जरूर इसके बारे में कुछ आगे जाके सोचेंगे। सेकेंडली, हर हफ्ता में एलिमिनेशन को रोक देना और शो को एक्सटेंड करना, ये भी SS2 फ्लॉप होने का एक कारण हो सकते हैं। शो में कॉन्टेस्टेंट्स को आगे से पता है एलिमिनेशन का सामना करने पड़ेंगे, क्योंकि विनर होंगे एक। इसके बावजूद भी एलिमिनेशन रोका गया और पीपल को समझ में नहीं आया ये क्यों रोका गया। थर्डली, हम लोगों को शायद याद रखना चाहिए था, सुर होता है किसी म्यूजिकल प्रोग्राम का हार्ट। हम लोग म्यूजिक से बिछड़ के कहीं खो गए, किसी के स्टाइल में, किसी के पॉपुलरिटी में, किसी के अंदाज से। म्यूजिक खो गया, शो भी अपना अंदाज खो दिए। और फाइनली, जिस कारण के लिए SS2 फ्लॉप हुआ है, वो शायद हम लोगों का क्यूरियोसिटी है। हम लोग शो का टेलीकास्ट होने से पहले ही शो का क्लिपिंग्स देखने का इंटरेस्ट रखते हैं। टीवी के सामने बैठ के एक घंटा बिताना और प्रोग्राम देखना, ये हम लोग के लिए अभी टाइम बर्बाद लगते हैं। दोस्तों, हम लोग किसी को हर्ट करने के लिए ये वीडियो नहीं बनाए। उम्मीद रखते हैं पवनदीप के अपकमिंग शो बहुत हिट होगा, कामयाबी का शिखर छुएगा पवनदीप के अगला शो इंडियन आइडल 13।